बॉक्स वापस कर दो। तुम मरे नहीं हो, तुम्हें बस तुम्हारे शरीर से अलग किया गया। अलग किया? क्या? तुम ये कैसे कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा कर पाना नामुमकिन है। ये तो औसम है यार। इससे कूल चीज मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं है, पर ऐसा दोबारा मत करना। मेरा डिमेंशन जहां मेरा राज चलता है। स्ट्रेंज प्लीज, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? पाकर तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मल्टीवर्स में ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और अगर उस मंत्र को आजाद कर दिया तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। आपकी बात समझ रहा हूँ, पर हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते, वो मर जाएंगे। ये उनकी किस्मत है, और उनके अस्तित्व की तरह तुम उनकी किस्मत नहीं बदल सकते। पर अगर ऐसा हो सके तो हम उनकी किस्मत बदल सके तो ज्योमेट्री और ज्योमेट्री मेरी कमाल की। आई लव ज्योमेट्री। स्क्वायर द रेडियस डिवाइड बाय पाई प्लस वन ऑन द कर्व। खेल खत्म पाकर, काम खत्म होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। हे स्ट्रेंज, जादू जादू से भी ज्यादा कुल क्या है? मैथ। ये गलती मत करो। आओ। माफ करना सर, लेकिन एक कोशिश तो बनती है। दूर कहाँ थे तुम? अभी मेरी डॉक्टर स्विंग से लड़ाई हुई और मैं जीत गया। क्या? ये देख, मैंने उनके रिंग में चुरा ली। मैंने शेयर में स्विंग करा था और फिर मैं एक बड़े से मिरर से टकराया और फिर मैं एक ऐसी जगह। वो अभी है कहाँ? अभी तो वहीं फंसे, पर कभी भी निकल सकते। तुम हमें मरने के लिए छोड़ सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऐसा नहीं है। शायद मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम सबको फिक्स कर दिया तो जब तुम वापस जाओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा और शायद कोई भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए नहीं मरेगा। फिक्स कर दोगे मतलब? देखो, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस। मैं मदद कर सकता हूँ। तुम जानते होगे मैं खुद अपनी दुनिया का एक छोटा मोटा साइंटिस्ट हूँ। ऑक्टेवियस मेरी काबिलियत से वाकिफ है। फिक्स, हम टूटे फूटे हैं क्या? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, पर इस तरह कम से कम तुम सबको घर जाने के बाद एक मौका मिलेगा, एक दूसरा मौका। अरे एक बार कोशिश करके देखते तो हैं। यकीन मानो पीटर, लोगों की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का अंजाम कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। तो मैं नहीं आना है तो मत आओ, और मुझे अभी पता चला तुम बोलते भी हो। देखो, अगर यहाँ रुकोगे तो वो जादूगर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर हमने तुम्हारी नहीं सुनी तो हम मारे जाएंगे, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे बस अपने घर जाना। वैसे यहाँ तो मैं भी नहीं मरना चाहूंगा, वो भी किसी ऐसे के हाथों जो अजीब कपड़े पहने घूमता। तो प्लान क्या है तुम्हारा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे जल्दी कुछ सोचो ना, इस बक्से के साथ क्या करें।
पहले तो इसके लिए कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। सही है, तुम्हें इसे रखना चाहिए। क्या मुझे? अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तुम इसे तुरंत दबा देना और सब खत्म हो जाएगा। हम साथ चलेंगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। एमजे तुम दोनों मेरे साथ नहीं चल सकते, इसमें बहुत खतरा है। पीटर हम सब इसमें साथ। हाँ मैं जानता हूँ हम साथ हैं नेट, पर मैं जानकर तुम दोनों को इस खतरे में नहीं डाल सकता। ओके तो मेरे लिए एमजे प्लीज इसे रख लो प्लीज। ठीक है पर पीटर अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं इसे दबा दूंगी। हाँ चलेगा। ठीक है और मैं मजाक नहीं कर रही, हमें तुम पर भरोसा है मिशेल। आखिर इस जैसे लड़के को ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? ये दबा देगी, सच में इसका कोई भरोसा नहीं। ओके मिलते हैं संभल कर। तो भी ओके चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तो कौन आएगा मेरे साथ? मैं चलूंगा, पर अगर कुछ भी उल्टा हुआ ना तो बिजली के झटकों के लिए तैयार रहना। सॉरी तो ये है तुम्हारा प्लान? न लैब न मशीन इस फ्लैट में। क्या हम एक जादू दिखाने लाए हो? या हम सबको कोई काढ़ा पिलाने वाले हो यहाँ के माइक्रोवेव में गर्म करके? कुछ खाने को हो तो मुझे भी देना, ये हम सबको मारने वाला है। ऐसा करना तो नहीं चाहता मैं, क्यों ना आपसे शुरुआत करें? मैंने कहा था ना मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे कुछ फिक्स नहीं करवाना, खासकर एक बच्चे से जो किसी बैचलर के फालतू कबाड़ को इस्तेमाल करने वाला है। नहीं 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 नहीं, उसके पास कुछ तो है, मैं महसूस कर सकता हूँ एक अजीब सी ऊर्जा। अब ये क्या भला है? ये एक फैब्रिकेटर है, ये चीजें एनालाइज कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, बेसिकली कुछ भी बना सकता है। मुझे लगा था उसमें हैप्पी का टूटा हुआ बेड है। क्या बात है, सबको मार डालेगा ये। वो ये क्या था? तो डॉग के गर्दन के पीछे लगी चिप उनके दिमाग को उस एआई सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है जो उनके टेंटेकल्स कंट्रोल करता है। पर अगर तुम यहाँ देखो तो वो चिप अब काम नहीं कर रही और वो उन टेंटेकल्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि उनके टेंटेकल्स अब उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो हमेशा इतने घटिया मूड में क्यों रहता है। पर हमें बस यहाँ लगाना होगा एक सेल्फ हीलिंग कंपोजिट सर्किट्री। एग्जैक्टली, तो थियोरेटिकली अगर ये काम करता है तो वो फिर पहले जैसे हो जाएंगे। प्यास लगी है? हाँ मेरा गला सूख रहा है। नॉर्मल या सॉल्ट वाटर? वो तुम ऑक्टोपस हो ना? क्या मतलब नॉर्मल चलेगा?